ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर को सीतापुर जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी कोर्ट में सुनवाई के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सोमवार को जिला जेल सीतापुर से उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। शाम 4 बजे मोहम्मद जुबैर को सीतापुर पुलिस ने तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया। दरअसल लखीमपुर खीरी कोर्ट में थाना मोहम्मदी में दर्ज एक मामले में कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी, जिसको सुरक्षा कारणों की वजह से मोहम्मद जुबैर के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने जेल में ही सुनवाई की। पुलिस ने मोहम्मदी थाने में दर्ज मामले में कोर्ट से उनकी रिमांड मांगी है। रिमांड पर कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होगी, तब तक वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने पुलिस में 2 अन्य मामले भी दर्ज किए हैं, इसे लेकर भी सुनवाई अलग से होनी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब सीतापुर के मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए यहां की जेल से उन्हें तिहाड़ जेल सुपुर्द किया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक करने वाले वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन यूपी पुलिस ने उन पर कई और मामले दर्ज कर दिए, जिसके बाद उनकी जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म हो गई। बता दें, दिल्ली पुलिस ने 5 साल पुराने ट्वीट के आधार पर ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक खिलाफ FIR दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस का कहना था, मोहम्मद जुबैर के उस ट्वीट से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई और इससे 2 समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ने की आशंका है। इन कारणों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वो इस मामले में भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे। यही कारण है कि मोहम्मद जुबैर जमानत मिलने के बावजूद जेल में ही हैं।